दादी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते बेटा, दादी जी अभी आप क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हैं बेटा? ये देखिए, ये चाय पी रहे हैं, ये गुड़ की चाय पीते हैं। दो इन्होंने चार बिस्कुट लिए हैं, दो इन्होंने खा लिए हैं बाउल में। कहते हैं कि चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, लेकिन खाली चाय भी नहीं पीनी चाहिए। ठीक हाँ, देखिए दादी जी अभी बताएंगी। इनकी एज 87 है और इन्होंने 87 कैसे पकड़ा है अभी तक, तो दादी जी बताना है। एक बार। आप नाश्ते में क्या क्या लेते हो दादी जी सुबह सुबह? अच्छा, नाश्ते में बस दो टोस्ट, दो चार बिस्किट, बिस्किट नहीं है तो टोस्ट ले लो तीन चार बस। इसके बाद 11 बजे, 11:30, 11 से 12 के बीच में खाना। अच्छा, नहीं दादी जी आप चाय में क्या क्या डलवाते हो? चाय में गुड़ और अदरक और अच्छा। हल्की सी काली मिर्च पिसी हुई डाल सको तो डालो, अच्छा पसंद हो तो। अदरक, गुड़ और अदरक से जरूर, अदरक, काली मिर्च, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो डलती है खैर, वो भी एक ही तरह की चाय की पत्ती डालना चाहिए हमेशा। अच्छा, जिस कंपनी की डालते हो, जैसे रेड लेबल है, टाटा प्रीमियम हो गया, टाटा प्रीमियम है, और भी दो तीन तरह की। हाँ, जो भी जिसका जैसे बजट है एक ही तरह की पीना है। तो ये दादी जी का नाश्ते का रास्ता, तो हम आपको खाने में भी दिखाएंगे खाने में क्या खाती हैं। तो दोस्तों, नाश्ता नहीं करती उसके बाद, तो नाश्ते के बाद ये सीधा लंच करती हैं। 11-12 के बीच ये खाना खा लेती है, इनका टाइमिंग होता है, ये 11-12 के बीच में खाना खा लेती है। शाम को भी हम इनका डिनर आपको दिखाएंगे। अभी ये हमने दादी जी के लिए पराठा तैयार कर दिया है, आलू मेथी का पराठा है, बढ़िया तैयार हो गया इस समय, ये देखिए। तो दादी जी आप जो है डेली पराठा नहीं खाते? नहीं। अच्छा, क्या क्या खा? कभी कभी, कभी कभी खाते हैं, और नौ अनाज की रोटी खाते हैं, हमने जो दिखाया था। और देखिए ब्रेकफास्ट में दादी जी ने ये मिक्स बना रखा है, मिक्सचर, इसमें है दादी जी, इसमें क्या? अखरोट, तिल और बादाम। अखरोट, तिल, बादाम का मिक्सर है ये, ग्राइंड करके, और एक चम्मच रोज खाती हैं, और दो चम्मच खाते हैं, बाकी तो जैसे आपको झिले। और देखिए दादी जी ने सेब भी रख रखे हैं, फ्रूट्स भी खाती हैं। तो दादी जी डेली अपनी डाइट चेंज करती है, ये नहीं है कि डेली पराठे खाते हैं। अब 7 बजे खाऊंगी, अब शाम को 7 बजे खाएंगी, आज पराठा खा लिया, और शाम को फिर रोटी सब्जी, शाम को रोटी सब्जी, और कभी कभी चिकन भी खा लेते हो दादी जी आप? महीने में एक बार। हाँ, महीने में एक बार, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है ना वो, तो पचने में दिक्कत करता है, इसलिए दादी जी ज्यादा वैसे छोड़ दिया है। हाँ, बेटा नहीं मानता है। हाँ, इसलिए खा लेती हूँ। तो कभी कभी खा लेती हैं दादी जी, पहले वैसे खाती थी। तो दादी जी अपनी उम्र के अनुसार डाइट लेती हैं, तो इनकी यही सेहत का राज है। अभी इनकी उम्र 87 है, भगवान इनको और लंबी उम्र करेगा, वही अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी। तो खाने में जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और वो ये क्या है, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा, सिंगाड़े को कूटना पड़ता है। हाँ, मक्का के बराबर। फिर पिसाते हैं, थोड़ा अनाज छानते हैं, बीनते हैं, थोड़ा सेकते हैं, उसके बाद चक्की पर पिसवाते हैं। हाँ, तो इनका जो ये नौ अनाज जो इन्होंने बताया, अभी पहले उनको ये सेक लेती हैं कढ़ाई में, फिर वो अच्छी तरह, अब मतलब हाँ पानी निकल जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फिर उसको चक्की पे पिसवाने के लिए ले जाती हैं। हाँ, पिसा पिसाया नहीं लाते हैं, घर पे तैयार करते हैं, तो इसलिए इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो दोस्तों, ये था दादी जी की सेहत का राज। आप भी दादी जी की डाइट फॉलो करें, और अगर आपको कुछ सजेशन लेना है तो कमेंट में लिखें, और चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।